हम लोग श्रवण कर रहे थे, समय पर भक्तों लोगों ने अलग अलग प्रश्न किया है और प्रभुपाद उसको उत्तर देते हैं। किसने प्रश्न किया, बोले प्रभुपाद हमारी सुविधा कैसे होगा और हमारे मंगल कैसे होगा। हम चाहते हैं ना, हमारे हर काम में देखना एक ही चीज चाहते हैं, जीवन में हमारे मंगल कैसे हो, जीवन में शांति सुख कैसे मिले और जीवन में हम कैसे सुख सुविधा में रह सकते हैं, यही चाहते हैं ना। पता जीवन में क्या चाहते हो, एक ही चाहते हो, जीवन में हम सुखी कैसे घर में रहे, हर काम कैसे हमारे ठीक से चले और जीवन में हमारी मंगल कैसे हो, इतना ही तो चाहते हो ना, और क्या चाहते हो। और हम इसके सिवाय जगत में और भी कोई चीज नहीं चाहते हैं, सुविधा हो, जीवन में मंगल हो। तो प्रभुपाद इसका उत्तर में कहते हैं, बोले गृह व्रत वा गृह सत्त ले भयानक असुविधा। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जितने हमारे असुविधा, असुविधा मतलब दुख का जो कारण है, क्या दुख का कारण है, जब हम गृह व्रत और गृहासक्त हो जाते हैं, जब हम इसी संसार में आसक्ति हो जाती है और इस संसार में गृह व्रत हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है जब ये इसी संसार की जो वस्तु है भगवान को पीछे रख लेते हैं, भगवान को हम पीछे रख लेते हैं, सामने किसको रख लेते हैं, मतलब माया को। माया को सामने रख करके भगवान के लिए कुछ करना धरना नहीं, जो कुछ करना ये शरीर ही में, और ये शरीर संबंध है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी दुकान है, ये मेरी मकान है, बाहर मैं मेरा में ही दिन रात जो जीवन बिताते हैं। इसलिए कहते गृह मधि, मतलब जिसके बुद्धि में ये संसार की भोग वासना छोड़ करके जी की दिमाग में कुछ भी नहीं है और ये संसार में जिस बड़ा आसक्ति है, कोई भी थोड़ी सी चीज कोई हानि हो जाए, वाह जैसे छाती फट जाती है। इसलिए कहते प्रभुपाद कहते हैं जितने सब दुख का कारण यही है, लेकिन अगर हम सब कुछ ठाकुर जी के चरण में समर्पण कर दे, ठाकुर जी ये घर तुमने दिया है, बच्चे तुमने दिया है, पति तुमने दिया है, पत्नी तुमने दिया है, सब कुछ तुम्हारी है, हम तो केवल तुम्हारी एक सेवक है, तुम्हारी हम केवल एक सेवक है, जब ये भावना हो जाए बस कोई फर्क असुविधा है, जो कुछ होगा ठाकुर की इच्छा से होगा। जैसे महाप्रभु का भक्त थे कौन, श्रीवास पंडित है, उनको एक लौता बेटा था, महाप्रभु घर में कीर्तन कर रहे हैं, साक्षात भगवान कीर्तन कर रहे हैं, उनको एक बेटा शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया घर के परिवार तो दुखी हो गए, रो रहे थे, उनको कान में रोने की आवाज सुनाई पड़ी, तब उन्होंने कीर्तन को प्रणाम करके भी जा करके देखा, उनको एक लौता बेटा शरीर छोड़ दिया। अगर हमारा, अगर हम होते तो क्या होते, भगवान भगवान ठाकुर को लेकर के ना बाहर फेंकते। हम ठाकुर जी के लिए दिन भर भक्ति पूजा करते हैं और ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे क्या, ठाकुर जी पहले तो ठाकुर को लेकर रोड में फेंक दें। एक बेटा दिया था, एक बेटे को तुमने ले लिया, दुखी हो जाएंगे ना, लेकिन देखो उनकी भावना कैसे है। तो उन्होंने बोले भैया क्यों रो रहे हो, बोले तुम्हारी एक लोग का बेटा था शरीर छोड़ दिया इसलिए रो रहे हैं। बोले बताओ बेटा दिया, दिया किसी ने, बेटा किसी ने दिया है, ठाकुर ने दिया, लिया किसी ने, बोले ठाकुर ने लिया। जब ठाकुर जी तुमको दिया और ठाकुर जी लिए तो बीच में क्यों आसक्ति में पड़े हो, बीच में तुम क्यों आसक्ति, देने वाले वही लेने वाले वही, कहते ना उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, अगर नहीं हिलता है दिया भी वही और लिया भी वही, फिर दुखी क्यों हो रहे हो। देखो ये बच्चा कितना भाग्यवान है, साक्षात घर में ठाकुर जी महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, एक दिन तो मरना ही, लेकिन अगर ठाकुर का कीर्तन सुनते सुनते, ठाकुर जी की हाँ कीर्तन सुनते सुनते भगवान जहाँ पर अगर शरीर छूटा, एक दिन तो छूटना है ही है, भगवान के सामने छूट गया तो बढ़िया हुआ, मैं तो चाहता हूँ मेरा ही तब सौभाग्य होगा, जो कि ठाकुर के सामने ठाकुर कीर्तन कथा सुनते सुनते हमारी शरीर छूटेगा। खबरदार रोना नहीं, रोगे तो एक बेटा तो गया, अगर महाप्रभु का कीर्तन रस में भंग होगा तो मैं भी गला में कलसी बांध करके
मैं भी गंगा में डूब मर गया। भगवान जहां पर है और वहां पर भगवान का कीर्तन रास्ता भंग हो गया। वो स्त्रियां है, स्त्री जाती है ना, आसक्ति है, अंदर में थोड़ी थोड़ी तो रो रहे थोड़ी बहुत। तो उन्होंने आए आ करके महाप्रभु का कीर्तन में पहले जितना खुश होकर नाच रहे थे ना, उससे भी ज्यादा उछल उछल कर नाच रहे। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, भगवान महाप्रभु बोले लगता है आज ये श्रीवास घर में कुछ सारे अनहोनी हो गई, कुछ अमंगल। छलांग लगा कर बोले प्रभु क्या बोल रहे हो, जहां पर साक्षात वैकुंठ नाथ है गोलोक बिहारी भगवान, कितना मंगल भवन अमंगल आदि, वहां पर कभी अमंगल हो सकता है प्रभु? कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है, इसलिए प्रभु अमंगल है नहीं। तो अद्वैत आचार्य बोले प्रभु इनका एक लौता बेटा बेटा था, लेकिन उसने शरीर छोड़ दिया। महाप्रभु रोने लग गए, बोले कहाँ पुत्र शोक, एक ही बेटा जिसको हो, सबसे प्यारा कौन है? बेटा बोलते ना, एक बेटा जो हो और एक बेटा चला गया तो दुखी नहीं मेरे लिए, वो दुखी नहीं सुखी नाच रहे गा रहा है। बोले चलो चलो देखते हैं। वहां पर गए और वहां पर छाती पर हाथ रखते ही ना फिर जीवन आ गया, फिर जिंदा हो गया। फिर महाप्रभु पूछा बेटा कहाँ गया तुम? बोले प्रभु मेरा तो बड़ी सौभाग्य था जो कि आपके भक्त घर में जन्म हुआ। कितने भाग्य से भक्त घर में जन्म होते हैं और जन्म से ही भगवान का नाम कीर्तन सुनने को मिला, तुम्हारे दर्शन मिला, तुम्हारे कीर्तन मिला, ऐसी सौभाग्य किसको होगा प्रभु? इसलिए प्रभु अपने जहां पर भेज दिया मैं वहीं पर गया हूँ, लेकिन जहां गया हूँ खुश है, वहां पर मैं दुखी नहीं, वहां पर मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु जगत में कौन किसका, कोई किसका है ही नहीं। जैसे नदी में देखना ना, बहुत सारी जैसे उसमें घास भूसा बहते हुए चलता है नदी में, अब देख लेना बहते हुए चलता है, कभी एकत्र हो जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं, अब देख लेना कभी एकत्र हो जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं। हम भी ऐसे अनादिकाल से भगवान से बिछड़ करके ये संसार रूपी नदी में हम बह रहे हैं, कभी एकत्र हो जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं कभी एकत्र हो जाते हैं। इसलिए प्रभु मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जहाँ आपने भेजा है ना मैं बहुत खुश हूँ। जब उनको परिवार लोगों ने सब बात को सुने ना खुश रहे, उनका जो दुख था दुख दूर हो गया। तो उन्होंने बोले ये बच्चा को मैंने हमने दो बार जिंदा कर दो, जिंदा तो हो गया उसको बचा दो। कहते जो भी खुद कहता है अपने जहाँ भेजा हम सुखी है, हम दुखी नहीं हम प्रसन्न हैं, तो उसको बचा कर क्या होगा, एक दिन तो मरना है ही। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जितने सारे असुविधा दुख कहाँ पर है, बोले वहीं पर है जहाँ पर हम इस शरीर को मैं और ये संबंध जितने ये मैं मेरा मान लेते हैं। इसलिए बकरी मैं करता है मरता है। इसलिए ये चीज को छोड़ करके जो कुछ होता है ठाकुर को इच्छा में अपना इच्छा को मिला दो, ठाकुर को इच्छा से अपना इच्छा को मिला दो, जो कुछ होता है उसको इच्छा के बगैर कुछ भी हो ही नहीं सकता। ये भावना अगर रख लोगे ना दुख नहीं होगा। देखो एक समय एक नाव में कुछ संत लोग बैठ करके जा रहे थे, नदी बड़ी लंबी चौड़ की, जब बीच दरिया में नाव पहुंच गई बड़ी आंधी तूफान, इतने जोर से आंधी तूफान आई पानी में बड़ी बड़ी लहरी आकर के नाव में पानी छलंग छलंग लाकर गिर रहा था। उसमें एक संत बैठा हुआ था, उसने क्या किया एक जग ले लिया, वैसे तो नाव में पानी भर रहा था, उसने और भी नदी से पानी लाकर भरने लग गया। लोग बोले क्या पागल हो गया, बीच दरिया में इतने तेजी आंधी तूफान वैसे पानी छलांग लगा लगा कर गिर रहा है नाव में डूबने वाले, और तू फिर पानी उल्टा भर का पानी निकालनी चाहिए तो पानी फिर भर रहा हूं। उसने कहा देखो मैं प्रभु को इच्छा से इच्छा मिला रहा हूं। इच्छा में इच्छा मिला रहे मतलब क्या है? ठाकुर को इच्छा बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, हम बोलते ना उसको इच्छा के बगैर कोई पता भी नहीं हिलता है, जो कुछ हो रहा है ठाकुर को इच्छा से हो रहा है ना। इसलिए जब पानी अपने आप गिर रहा है नाव में, मैं भी उनको इच्छा से इच्छा मिला रहा। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, थोड़ी दूर जाते ही आंधी तूफान खत्म हो गई, इतने में जो पानी है ना नाव से बाहर निकलना शुरू कर दिया। लोग बोले देखो पागल को, जब जरूरत था निकालने का भर रहा था, जब जरूरत नहीं तब उसको निकाल रहा है, बोले तू क्या कर रहे हो? बोले प्रभु को इच्छा से मैं इच्छा मिला रहा, प्रभु को इच्छा से मैं इच्छा मिला रहा हूँ, क्योंकि ठाकुर को इच्छा नहीं है नाव डूबेगा,
ठाकुर की इच्छा नहीं, डूबना होता तो और तजी आदित बनाता, डूब ही जाते सबके सब है। इसलिए इसका मतलब है हम सब कुछ बोलते हैं ठाकुर की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। इसलिए जीवन में जो कुछ आए ना उनको इच्छा से इच्छा मिला कर क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस उसको इच्छा में इच्छा मिला करके भजन करते रहो और भगवान की भक्ति करते रहो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जितने असुविधा जितने दुख कष्ट है ये संसार में आ सकती ही, और माया संसार में ममता ही जितने सारे दुख कष्ट का है। अगर सब कुछ अगर सोचने लग जाए उसको इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, फिर कोई दुख कष्ट हमारी नहीं आएगी। इसलिए किंतु जिन्हें अनुक्षण कृष्ण रे सेवा करें सही गुरुदेव अनुगत और सेवा कर ले हमारे आर कौन असुविधा था ना। तो प्रभुपाद कहते कब हमारी सारी असुविधा दूर हो जाएगा, तो तब भी हमारी सारे असुविधा दूर हो जाएगा जब हम ऐसे किसी गुरु की शरण में जाए जो गुरुदेव करते हैं क्या, दिन भर प्रभु की भक्ति प्रभु की सेवा को छोड़ करके जो जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं, उनका सारे चेष्टा है कैसे ठाकुर को हम प्रसन्न करें, भगवान को कैसे हम खुश रखें। अगर ऐसे सदगुरु की शरण में अगर चले जाए फिर तो हमारे जीवन में फिर कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा। क्यों, जब ऐसे गुरु जी को पास में जाएंगे गुरु जी जो करेंगे तो वही हमें बताएंगे ना, गुरु जी जो कर रहे हैं हमें तो वही बताएंगे और गुरु जी हमें क्या बताएंगे। तो गुरु जी करते हैं क्या, दिन भर भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुदेव 24 घंटा वही करते हैं। जब उनको पास में जो आएगा उनको ही बोले भैया अगर तुम कल्याण मंगल चाहते तो ठाकुर की सेवा करो, क्यों वही मंगल भावना अमंगलहारी वही है, उनकी कृपा से ही जीवन में तुम सुखी रह सकते हो। इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर जो गुरुवाष्टक में क्या कहते हैं, बोले सदरत जीने विग्रह से बने श्रृंगारा दियार मंदिर मार्जने करे नने जुख अनुगत जने बंदी से गुरु चरण कमल। इसलिए जो स्वयं हर समय भगवान की सेवा भक्ति पूजा में लगे हुए जो उनकी अनुगत में जो आए हुए लोग क्या कहते हैं, तुम भी ठाकुर को सेवा करो, ठाकुर का नाम ही तुम करो, क्योंकि ठाकुर का नाम में ही शांति सुख है, भगवान की भक्ति में ही कल्याण, और कल्याण किसी में है नहीं। लेकिन जगत में ऐसे कुछ गुरु होते हैं जो भगवान की भक्ति भक्ति के बारे में नहीं बताते, बोले गुरु जी सब कुछ है और कुछ नहीं, गुरु को छोड़कर जगत में और कुछ नहीं, इसलिए सब कुछ गुरु जी की सेवा करो, बोलने ये गुरु जी का काम नहीं। गुरु जी का काम है क्या, काम है गुकार मतलब अंधकार, रुकार मतलब आलोक, हमारे हृदय के अज्ञान के अंधकार को हटा करके हमें जो दिव्य ज्ञान दिला दे। दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान यही है भगवान ही सब कुछ है, उनको द्वारा ही जगत सृष्टि हुआ है, ठाकुर ही जगत का मालिक है और उनकी भक्ति भजन से ही जिनका कल्याण होगा। बताओ हनुमान जी दिन भर करते हैं क्या, क्या करते हैं हनुमान जी, राम की सेवा कर रहे हैं ना, राम का नाम तो लेते हैं, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज क्या किया, ठाकुर का नाम लिया, ठाकुर का सेवा ही किया, ठाकुर किया क्या उन्होंने हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तब भी जीवन में हमारे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ऐसे जो गुरुदेव के अनुगत्य में रह करके क्या करो भगवान की, जब हम सेवा करेंगे जीवन में हमारी कोई असुविधा नहीं रहेगी। भगवत भक्त अनुगमन वो अनुसरण व्यतीत मंगल अन्य कोई रास्ता ना है, कहते वास्तव रूप में जीवन में अगर मंगल कोई चाहते हैं हमको करना क्या चाहिए, हमको एक काम करनी चाहिए हमें वैष्णव का और गुरुदेव का अनुगत्य में रह करके सब कुछ करें, उनकी अनुगत में रह कर ही सब कुछ करेंगे। अगर जीवन में करेंगे उनकी अनुगत में होकर के हर जीवन में तुम्हारी कोई दुख कष्ट जीवन में कभी नहीं आएगी, फिर तो भगवान क्या करेंगे, हर समय हमें रक्षा करेंगे। जैसे अम्बरीश जी महाराज है एकादशी व्रत रखते थे अम्बरीश जी महाराज, दुर्वासा जी एकादशी द्वादशी का दिन आए हैं, पहले इनको भोजन करा के भजन करेंगे अच्छी बात संत आ गए, लेकिन जब उनको गए स्नान के लिए देर हो गया, इन्होंने थोड़ी सी प्रार्थना कर लिया, एकादशी चल रही थी, बस उनको तो क्रोध आया, अभी जटा को निकाले पटक दिया,
बोले अम्बरीश को खत्म कर दो। लेकिन जो व्यक्ति एकादशी करते हैं और जो व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं ना सही सही, बोले भगवान की तो सुदर्शन चक्र उसको रखा करता है। कौन रखा करता है? भगवान की सुदर्शन चक्र उसको हर समय रखा करता है भक्तों को। इसलिए भगवान खुद कहते हैं कौन्तेय प्रतिज्ञानी न मैं भक्त प्रति है अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो जो मेरे शरण में आते हैं उनको विनाश नहीं होता। मैं कितना जाके राखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हो, सारा दुनिया अगर तुम्हारी शत्रु बन जाए। अगर तुम भगवान की शरण में हो भगवान की भक्ति करते हो ठीक ठीक से तुमको कौन रक्षा करेगा? भगवान तुम्हें हर समय श्री ठाकुर जी तुमको रक्षा करेंगे हैं। इसलिए जब हम गुरु जी की वैष्णव की अनुगत में चलेंगे तब क्या होगा? वो भी भक्ति करते हैं हमें भी भक्ति की बात बताएंगे। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें कौन रक्षा करेगा? ठाकुर जी रक्षा करेंगे। अगर ठाकुर जी रक्षा करेंगे तो बताओ जीवन में कभी दिक्कत कोई आएगी? जीवन में कोई दिक्कत जीवन में कभी तुम्हारी नहीं आएगी। इसलिए मूल वस्तु भगवान ने सेवा अपेक्षा भगवत पृष्ठ गुरुदेव सेवा अधिक मंगलजनक। यहाँ पर कहते हैं कि जो मूल वस्तु कौन है? बोले भगवान है, भगवान कहते उनकी सेवा से भी अगर कोई सचमुच से उनकी भक्त हो, सचमुच से उनकी भक्ति हो, ऐसे दिखाने के लिए नहीं है, अगर ऐसे अगर कोई भक्त हो गुरु जी हो, अगर हमने भगवान की सेवा से भी जो गुरु जी की हम सेवा करते हैं कहते भगवत सेवा से भी ऐसे गुरु जी का सेवा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान खुद कहते हैं मत भक्त पूज्याभ्याधिक सर्वभूतेश मनमति, मतलब मेरे सभी मेरे भक्तों का पूजा श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में रहते हैं। जब हम भक्तों के खुश कर दिया ना, सही कोई भक्त हो अगर खुश कर दिया ठाकुर अपने आप खुश हो जाते, भगवान उसको पर अपने आप खुश हो जाते हैं, बल्कि ज्यादा खुश होते हैं भक्त सेवा करने से, भगवत सेवा से भी ज्यादा खुश होते हैं। अब मेरे कहते मेरे भक्तों की अगर कोई सेवा करे तो, इसलिए गुरु सेवा द्वारा ही हमारे अधिक अगर सुविधा है ये, मतलब ज्यादा जो हमारी जो सुविधा होगा कैसे? जब भक्तों का हम सेवा करें, हाँ गुरु जी की हम सेवा करेंगे। इसलिए गुरु सेवा कर ले पतित जीवर उधार है। अगर ऐसे गुरु जी की अगर हम सेवा करेंगे तो हम जो गिरे हुए जो व्यक्ति है जो पतित व्यक्ति हमारी उधार कैसे होगा? जब हम श्री गुरुपाद पद्म की सेवा करेंगे जरा वास्तविक मंगल चान तर अवश्य ही सादरे गुरु वैष्णव सेवा करिए। अगर कोई व्यक्ति जगत में सचमुच से कोई कल्याण चाहते हो तो प्रभुपाद कहते क्या करनी चाहिए? भगवान सेवा से भी भक्तों की सेवा और गुरु जी का सेवा करो, क्योंकि उनकी सेवा से ठाकुर जल्दी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते जरा वास्तविक मंगल चान करिए। कहते गुरु वैष्णव सेवा की गुरु वैष्णव गण कृष्ण सेवा व्यतीत अन्य किचु करे ना। गुरु वैष्णव सेवार अर्थ तादिगे भगवत सेवा सहायता करा साधु गुरु आज्ञा निर्विचारे सानंद पालन करा। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं, कितना वैष्णव सेवा करो गुरु जी की सेवा करो, कहते ना गुरु जी की सेवा करो गुरु वैष्णव की सेवा करो। अभी यहाँ पर कहते इसका मतलब क्या होता है? गुरु जी की सेवा करो वैष्णव सेवा करो मतलब क्या होता है? फिर जो गुरु वैष्णव है वो कहते हैं क्या? दिन भर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भजन। जब भगवान की भजन करते हैं फिर हमको क्या करना चाहिए? हमें उसमें मदद करनी चाहिए, उसका हमें मदद करनी चाहिए। गुरु वैष्णव जो भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए गुरु वैष्णव इसलिए कभी नहीं बोलेंगे भैया मेरे लिए इतना बढ़िया बढ़िया फल ले आ, मेरे लिए इतने बढ़िया बढ़िया चीज ले आ बाजार से, मैं ये चाहता हूँ। कहते वैष्णव गुरु वैष्णव ये नहीं चाहेंगे तुमको, कभी भी नहीं बोलेंगे मेरे लिए कुछ चीज में ले आ। किसके लिए बोलेंगे? बोले अगर सेवा करना चाहते हो ना ठाकुर जी के लिए, इतना सुंदर कपड़ा ले आओ ठाकुर जी के लिए, बढ़िया बढ़िया फल ले आओ जो ठाकुर की सेवा लगेगा, ठाकुर जी के लिए सुंदर फूलों की माला ले आओ, इसके लिए ठाकुर जी के सेवा में लगेगा। इसलिए वो कभी भी नहीं बोलेंगे भैया मेरे लिए तुम कोई चीज को ले आ। किसके लिए बोलेंगे? लाओ ठाकुर जी की सेवा के लिए। हर समय जो सही गुरु होंगे सही वैष्णव होंगे
वो कभी भी अपना लिए कोई बात नहीं बोलेंगे, हर समय तुम्हें भगवान की सेवा की शिक्षा दें, भगवान की सेवा कर, उसमें ही तुम्हारी कल्याण है। इसलिए सेवा करें गुरु वैष्णव सेवा मतलब, हाँ इसलिए कहते हैं गुरु वैष्णव सेवा तथा दिगर भगवत सेवा सहायता करा, साधु गुरु आज्ञा निर्विचारे सानंद पालन करा। इसलिए गुरु वैष्णव जो हमें करेंगे बोलेंगे आदर पूर्वक प्रीति के साथ में क्या करनी चाहिए, उनका आदेश को हमें पालन करनी चाहिए। इसलिए कहा जाएगा साहब साधु गुरु आज्ञा निर्विचार ऐजन्य सर्वावस्थाए गुरुवानुगत प्रयोजन गुरुवानुगत बात दिया, निजे निजे कृष्ण सेवा परिवार धार्मिकता कर ले असुविधा है। इसलिए क्या करनी चाहिए, गुरु जी के अनुगत हमें करके भक्ति करनी चाहिए, गुरु जी की अनुगत में भक्ति करनी चाहिए। अगर इसको नहीं करके कहते गुरु जी की अनुगत के बगैर स्वयं अगर हैं गुरु जी से कुछ पूछा ही नहीं, पूछा नहीं कुछ भी नहीं किया, अरे गुरु जी को क्या जरूरत है बीच में, अरे हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या काम है, हम क्या काम है, हम खुद कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं गुरु जी को, अपने आप करना शुरू कर देंगे। बोले नहीं, गुरु जी की आदेश के बगैर गुरु जी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान राम हैं, वो क्या नहीं कर सकते बताओ, दुनिया का मालिक है। रामायण देखो, देखना जब उनका राज्याभिषेक हो गया ना, उन्होंने क्या किया, जितने राज्य का जितने कागज पत्र जितने जो कुछ था उन्होंने लेकर के अपना गुरु जी को दे दिया। राम का गुरु जी कौन थे, कौन थे गुरु जी राम के, बोलो कौन थे राम के गुरु जी, वशिष्ठ जी थे हैं। तो उन्होंने जितना जो कुछ राज्य का सब कुछ उन्होंने लेकर के अपना गुरु जी को प्रदान कर दिया। जब गुरु जी को प्रदान कर दिया, गुरु जी ने कहा देख बेटा आज से ये अयोध्या का राजा तुम नहीं हो, आज से अयोध्या का राजा तुम नहीं, कौन अयोध्या का राजा, मैं हूं, तुम सब कुछ तुमने मेरे को दे दिया, इसलिए मैं हो गया अयोध्या का राजा। अभी मैं दोबारा ये चीज को मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूं, अभी तुम यह चीज को मेरा ही राज्य मान करके, मतलब गुरु जी की सब कुछ वस्तु गुरु जी का इसको मान करके क्या करो, इसको तुम रखवाली करो। इसलिए अपना मान करके नहीं है, गुरु जी का मान कर सब कुछ करो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अपनी इच्छा से कोई चीज नहीं करनी चाहिए, फिर उसमें क्या आएगा, दाम्भिकता आएगा उसमें, फिर तो जितने दिक्कत ही दिक्कत आएगी। इसलिए गुरु के अस्वीकार अवज्ञा कर ले सर्वनाश आए। अगर गुरु जी को अगर हम क्या करें, गुरु जी को अगर हम अवज्ञा करते हैं, उनको अगर स्वीकार नहीं करते हैं, फिर क्या होगा, फिर तो सर्वनाश हो गया। इसलिए सब कुछ करो गुरु जी की आज्ञा को ले करके करो। आमी हरि सेवा करी एटा केवल दाम्भिकता, कहते अगर कोई गुरु जी के अनुगत के बगैर बोले गुरु जी कोई जरूरत नहीं, मैं स्वयं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, कहते ये क्या है, कहते ये केवल दाम्भिकता तुम्हारी अंदर है। इसलिए दाम्भिकता ही पतन प्रथम कारण और प्रधान कारण, कहते जीव का पतन क्यों होता है, जब हमारे अंदर में ये अभिमान आ जाए, दाम्भिकता आ जाए, हे करने वाले मैं हूँ, मैं नहीं करता तो ये थोड़ी होता, मैंने तो किया सब कुछ, कद नहीं भैया मैं छोड़ करके किसने किया है, गुरु जी की कृपा से ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ हुआ है, ये भावना रखनी चाहिए, नहीं तो पतन हो जाएगा। बोले तो गुरु वैष्णव छिद्र देखिले सर्वनाश अनिवार्य, इसलिए कभी भी गुरु वैष्णव का छिद्र नहीं देखनी चाहिए, छिद्र समझते हो, उनकी कमी नहीं देखनी चाहिए। इसलिए गुरु सेवा व्यतीत जीवन किच्छु तई सुविधा व मंगल अर्जना, इसलिए गुरु जी की सेवा छोड़ करके कभी भी हमारे जीवन में कोई मंगल कल्याण नहीं हो सकता है, निज सुख जन व्यस्त रही अमंगल है। इसलिए अगर हम अपने सुख के लिए हर कोशिश करें, मेरा सुख कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, नहीं उसमें कल्याण नहीं, सुख किसकी ढूंढनी चाहिए, गुरु जी की ठाकुर जी की कैसे सुख हो। एकांत के ना इले कृष्ण सेवा है ना, कृष्ण गुरु सेवा ना कर ले एकांतिक हवा जाए ना, इसलिए हमको भक्ति कैसा करना पड़ेगा, एकांतिक होकर एकनिष्ठ होकर गुरु जी की सेवा करना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसे नहीं हो तो फिर गुरु जी का सेवा नहीं हो सकता है। गुरु वैष्णव सेवा व्यतीत मायावध जीवन परित्राण लाभ है, हर कोन उपाय नहीं। अगर कोई जीवन कोई संसार से पार होना चाहता है, जीवन में सुख शांति में रहना चाहता है,
उसको क्या करनी चाहिए, गुरु जी और वैष्णव भक्त हैं, इनको क्या करनी चाहिए, इनकी सेवा ही करने पर जीवन में वास्तव रूप में शांति और सुख मिलेगा और जीवन में तुम्हारी कल्याण कल्याण कल्याणमय होगा। ठीक है ना। बोले श्री प्रभुपाद की, बोले श्री गुरु जी महाराज की, सपरिवार गौर हरि की, हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बोलो पीछे पीछे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर जय निताई गौर गौरांग निताई गौरांग जय।